आज हम जो पढ़ रहे हैं वो विद्युत चुंबक से संबंधित पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हमने मतलब एक किस्म से आप कहना चाहिए कि हमने ये चीजें देखी थी कि जैसे मैग्नेट कैसे बनाते हैं, चुंबक को मतलब कृत्रिम चुंबक कैसे बनता है, या किस तरीके से चुंबक कहाँ मिला था, कौन से शहर में मिला था, ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे थे वो पिछली क्लास में समझे थे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो इसकी जानकारी लेंगे। दो प्रकार आदमी मनुष्य के हाथ के मनुष्य जो है उसके कितने हाथ होते हैं? दो, सभी को पता है। एक दायां हाथ होता है, और दूसरा होता है बायां हाथ। एक दायां हाथ होता है और एक बायां हाथ होता है। इसी पर वैज्ञानिकों ने कुछ नियम प्रतिपादित किए थे। दायां हाथ मतलब राइट हैंड और बायां हाथ मतलब लेफ्ट हैंड। अब आपने देखा होगा दो चीजें होती हैं, एक कभी पढ़े होंगे आप मोटर, एक पढ़े होंगे आप जनरेटर, और एक पढ़े होंगे मोटर। दो चीजें होती हैं, मोटर और जनरेटर। जनरेटर जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है या कौन से नियम पर, मतलब कोई भी चीज आपकी जो होती है वो नियम पर वर्क करती है। और वैसे ही आपका मोटर जो होती है वो भी नियम पर वर्क करती है। दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। जनरेटर जो होता है, समझ लेना आप लोग, जनरेटर जो होता है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन? जनरेटर। अब मैकेनिकल एनर्जी मतलब आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का जो काम करता है वो हमारा क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। और मोटर जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है या करता है। दोनों के बीच में देखो अंतर है। एक हमारा जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को कर रहा है, मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कर रही है। दोनों का घूमने का सिस्टम अलग है। अब इन्हीं में आप देखो मोटर जो है, जनरेटर वो कौन से नियम पे कार्य कर रहा है? दाएं हाथ के नियम पर। दाया हाथ मतलब आपका सीधा हाथ। इस दाएं हाथ में वो क्या बोल रहा? तो दाएं हाथ में वो बोल रहा है कि ये जो अंगूठा है, ये दाया हाथ है आपका, इस दाएं हाथ में ये अंगूठा जो है वो क्या दर्शा रहा? आपके चालक के घूमने की दिशा, मतलब आपका जो चालक घूम रहा है उसकी दिशा को कौन दर्शा रहा है? ये हमारा दाया हाथ का अंगूठा, मतलब कि किस तरीके से आपका घूम रहा है में जनरेटर। दूसरा आपका ये जो है फर्स्ट तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और इसके बाद ये जो है ये ईएमएफ को प्रेरित करता है। इस तरीके से हम किसी चीज को पकड़ते हैं, ऐसे ही पकड़ते हैं। आप जैसे मान लो इस चीज को आपने पकड़ा, तो इसको पकड़ने के बाद ये हम देखते हैं कि ये उस चीज की दिशा को किस तरीके से दर्शा रहा है। तो पहला हमारा जो है वो है ये जो नियम है ये फ्लेमिंग के है। किसके नियम है? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग कौन थे? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम दिया था। फ्लेमिंग एक जनरेटर में दिया था, एक मोटर में दिया था। फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे, एक दिया था राइट हैंड रूल्स और एक दिया था लेफ्ट हैंड रूल्स, मतलब दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। उन्होंने दाएं हाथ के नियम पर बताया था। अब काफी बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो आपको मैंने लिख दिया, आप बोल दोगे जनरेटर मोटर, लेकिन कभी आपने बोला कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स में किसकी परिभाषा इंगित करी गई है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मोटर की करी गई। आप बिल्कुल स्वतंत्र सोचो, जनरेटर को
हम जब चालू करते हैं, ज्यादातर 90% लोग ऐसे होते हैं जिनका दायां हाथ काम करता है, 10% लोग ऐसे होते हैं जिनका बायां हाथ काम करता है, 10% या 12% ज्यादातर लोगों का राइट हैंड ही काम करता है। अब आप मुझे बताइए, जब किसी जनरेटर को, जनरेटर छोटा सा आप ले लो, 5 किलोवाट का शादी विवाह में जो जनरेटर लगता, उस जनरेटर को जब आपको किसी ने बोला स्टार्ट करो इस जनरेटर को, तो स्टार्ट करने के लिए जो आपका हाथ चालू, उसी हाथ से चलाओगे ना, तो जिस हाथ का हम जनरेटर को चालू करने में यूज कर रहे हैं, ये मान लो कि उसका वो राइट हैंड यूज है, दाएं हाथ से चला रहा है। कभी भी हम कंफ्यूज हो जाए या हमको पता ना रहे, तो हमको याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका, किसी ने पूछा लेफ्ट हैंड रूल्स किसके लिए काम करता, तो हमको पहले वो देखना पड़ेगा कि हम शादी में जनरेटर को दाहिने हाथ से चालू करते, मतलब दायां जो है वो जनरेटर का है और बायां जो है वो मोटर का है, दोनों में अलग हो जाएगा आपका। इसके बाद में फ्लेमिंग ने जो दिया था इस नियम का प्रयोग, बाएं हाथ का जो मतलब अब हम जो देख रहे हैं पहले दाएं हाथ का देख लेते हैं, तो दाएं हाथ में दिया था फ्लेमिंग ने जो दाएं हाथ का रूल्स दिया था, वो रूल्स दिया था आपका किसका, जनित्र के लिए। जनित्र मतलब होता जनरेटर, जनरेटर को जनित्र भी कहते हैं, जनरेटर भी कहते हैं, डीजी जो आपको लगे वो बोल दो, जनित्र जनरेटर। जनरेटर का तात्पर्य ये है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न उत्पन्न देखे होंगे आपने, जब लाइट बोल हो जाती है तो हम इसमें ईंधन डालते हैं, ईंधन डालने के बाद वो क्या करता है, वर्क करने लगता है, और बड़े बड़े जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं वहां पर स्थिति ये होती है कि जो आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये तो छोटा सा जनरेटर है, अब इसकी इलेक्ट्रिसिटी में कभी इंडस्ट्रियल एरिया पूरे में, दो मान लीजिए आप पूरे मध्य प्रदेश में आपको इलेक्ट्रिसिटी देना, कैसे देना, इससे तो दे नहीं सकते, उसके लिए हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, तो उसके लिए जो जरूरत पड़ेगी वो बड़े बड़े पावर प्लांटों की जरूरत पड़ेगी। जो बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं उनमें क्या किया जाता है, जब बांध बनाया जाता है तो इस तरीके से 80-80, 90-90 किलोमीटर के, जैसे आप ले लो MPPGCL, ये आपका जबलपुर है, कहां है, जबलपुर में, यहां पर 33 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब मान लो अगर यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी देखे होंगे, आपने डैम देखे होंगे, जबलपुर में जो डैम बना है, वे डैम देखे होंगे, बरगी डैम जो बना हुआ है, तवा डैम देखे होंगे, कलियासोत डैम देखे होंगे, ये जो डैम बनाए जाते हैं इन डैमों के लगभग 70 फीट के आसपास, मतलब कहना चाहिए 70 फीट के नीचे, यहां पर आपके क्या बनते, पावर प्लांट बनते हैं, डैम इतने ऊपर है, वैसे ही तो डैम ही गहरा होता है, और डैम के बाद फिर जो होता है वो हमारा क्या होता है, पावर प्लांट होता है, तो पावर प्लांट तो ऑलरेडी हमारा क्या होता है, 70 फीट और नीचे होता है, गेट लगा देना आवाज आ रही है, या मतलब उसको थोड़ा सा बोल दो कि भैया आराम से थोड़ा काम कर लो, क्लास चल रही, डिस्टर्ब हो रहा है। 70 फीट ये हमारा क्या है, नीचे है, जब ये 70 फीट के आसपास नीचे फंसेगा तो यहां पर स्थिति ये हो जाती है हमारी कि अब आप मुझे बताइए, यहां से मैं किसी पानी को मोटरों के द्वारा इस पर गिराऊं, तमाम पावर प्लांट के यहां पर, ठीक है, अब यहां पर जो है वो मेरा क्या है, यहां पर जो पानी गिर रहा है, गिर रहा मेरा पानी, यहां पर जो पानी गिर रहा है, यहां पर मेरा क्या लगा है, बड़ी बड़ी पंखियां लगी है, टरबाइन जिसको हम कहते हैं, उदाहरण के तौर पे आपका एक पंखा ले लो, उस पंखे को आपने बिल्कुल आपका पंखा ले लो, उस पंखे को आपने किसी चीज से जोड़ा, जो चीज आपकी घूम रही है, जिसको हम कहते हैं जनरेटर। अब आप मुझे बताइए, जो जनरेटर आपका डीजल खाता है, जो शादी विवाह में जिस जनरेटर का आप यूज करते हो, जो जनरेटर आपका डीजल खाता है, वो जनरेटर के ऐसा होता है कि मतलब आपने जब उस जनरेटर को करे तो वो बिना घूमे और आपका चालू कर दे सारी चीजें, उसके अंदर का रोटर का आर्मेचर ये सारी चीजें वर्क करती कि नहीं करती, तो वही चीज आपकी सेम इसमें हो रही है, जिस प्रकार से आपका ये पानी गिरा फोर्स है, इस फोर्स से पानी से ऐसी पंखियां होती है उसकी, अब
वो पंखी पे पानी पड़ा तो वो नीचे जाएगी, फिर उस पर पड़ा वो नीचे जाएगी, इस तरीके से आपका क्या होगा, घूमते जाएगी। और जब वो घूमेगी पंखी, कौन पंखी जो जो लगी हुई है उसको बोलते हैं टरबाइन। क्या बोलते हैं? टरबाइन। जब आपकी टरबाइन घूमना चालू करती है तो उसी टरबाइन से शाफ्ट के द्वारा आपका क्या कसा जाता है, जनरेटर। क्या कसा जाता है? जनरेटर। ये जो जनरेटर होता है या हम जिसको कहते हैं अल्टरनेटर, इसको एसी पैदा करता है, इसको अल्टरनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेटर। अब ये जो अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर का काम क्या होता है? तो अल्टरनेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसका काम करना है। जैसे ही इसके ऊपर बहुत तेजी से पानी गिरा, 70 फीट ऊपर बांध बना है, वो बांध का पानी एक मोटे पाइप में, बहुत मोटे मोटे पाइप होते हैं, उन मोटे पाइपों से फोर्स से किसी चीज के ऊपर गिरेगा तेजी से, तो वो चीज घूमेगी कि नहीं घूमेगी? जब वो चीज घूमेगी तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी, जनरेटर का अंदर क्या घूमेगा, जो आपका जनरेटर में जो आपका इस रोटर लगा हुआ है वो भी क्या करेगा, घूमना चालू कर देगा। और जब रोटर घूमना चालू कर देगा तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने जब इलेक्ट्रिसिटी का वो चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा है कि किसी क्वाइल के बीच में अगर आपकी इस पर स्टेटर है, इसमें एक इसमें जो है यहां पर क्या है, क्वाइल लगी हुई है, ये आपका स्टेटर है। अगर किसी स्थाई कॉइल के अंदर किसी रोटर को घूर्णन गति कराई जाए तेजी से, मतलब यहां पर आपका रोटर लगा हुआ है और अगर वो घूर्णन गति करेगा तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, या हिंदी में कहे सो विद्युत वाहक बल। जैसे ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यही विद्युत वाहक बल हमारा जब बाहर आता है तो वो हमको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में प्रदान होता है। ये आपका होता है जलाशय वाली चीजों में, स्टीम टरबाइन में गरम गरम स्टीम से आपका वो नाचने लगता है, जब उसके ऊपर गरम गरम पड़ता तो बहुत बहुत गरम होता है, वो इतना नहीं भयंकर गरम होता है, जब वो गरम गरम पड़ता तो नाचने लगता है। कौन आपका जनरेटर, उसमें भी आपकी प्रक्रिया से यही होती है, उसमें भी आपका यही स्थिति से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनना चालू हो जाती है। हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है लगभग 4-5 प्रकार से बनाई जाती, सबसे ज्यादा 70-72% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जलाशय के द्वारा ही ज्यादातर उत्पन्न की जाती है, सॉरी उसके द्वारा स्टीम टरबाइन के द्वारा, कोयले से। स्टीम वाला जो होता है, कोयले वाला, उसका 70 के आसपास यूज है, 30% जो है वो मतलब 30 या 23-22 के आसपास कहना चाहिए, वो बाकी के जो जलाशय का हो गया 7-8% हमारा ज्वार भाटा से भी बनाया जाता, पवन चक्कियों के द्वारा ही बनाया जाता। देखा होगा आपने कभी बड़े बड़े, मतलब आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ, पूर्वी राज्यों में जितनों में भी आप जाओगे वहां बहुत पहाड़ है, उबड़ खाबड़ है, तो वहां खंबे तो आसानी से गड़ नहीं सकते, जलाशय के लिए भी हम व्यवस्था नहीं कर पाते क्योंकि पहाड़ है, वहां कैसे जलाशय के लिए 70-80 किलोमीटर हमको समतल जगह होना चाहिए वहां पर, तभी तो आप बनाओगे, इतनी जगह मिलती नहीं है। तो उसके लिए क्या होता, बड़ी बड़ी पवन चक्की बिंड लगाए जाते हैं जो घूमते हैं, जब वो बिंड घूमते हैं तो उसी से पट्टे के द्वारा अल्टरनेटर कसा जाता है और वही अल्टरनेटर पूरा काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का काम करता है अल्टरनेटर। पिक्चर खत्म। अब जो अल्टरनेटर होता है या जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स पर वर्क करता है, और मोटर जो होती है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स पर वर्क करती है, दोनों के बीच में और कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड रूल्स में क्या होता है आपका, राइट हैंड रूल्स में मैंने आपको बताया था, इसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड रूल्स होता है वो मोटर के रोटर पर लगाने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, चालक के घूमने की दिशा, मतलब उसको भी आप इसी तरीके से पकड़ोगे, और जब उसको इस तरीके से पकड़ोगे तो आपका ये अंगूठा है ये चालक को घूमने की दिशा इंगित करता है। दूसरा ये आपका जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। ये धारा या ईएमएफ की दिशा
दिशा को इंगित करता है। ये दोनों, पहला राइट हैंड और दूसरा लेफ्ट हैंड, ये दोनों आपके रूल्स हैं। विद्युत वाहक तथा चुंबकीय परिपथ की तुलना, ये हम मतलब आगे है आपका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेरित ईएमएफ के प्रकार भी आपका इतना नहीं है। दो प्रकार के ईएमएफ होते हैं, एक होता है स्थितिक ईएमएफ और दूसरा होता है सेल्फ इंडक्शन। स्थितिक ईएमएफ में यांत्रिक गति के बिना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निर्मित होता है। इसके बाद में इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर युक्ति के विद्युत वाहक बल के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब जो स्थितिक होता है, इसका यूज जो होता है वो ट्रांसफार्मर में होता है। कहां पर होता है? ट्रांसफार्मर। मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारी एनर्जी हम पढ़ेंगे, स्टैटिक एनर्जी पढ़ेंगे, फिर आपकी लोह क्षति पढ़ेंगे, आपकी कहना चाहिए लोह क्षति के बाद आयरन लॉस पढ़ेंगे, इसके बाद कॉपर लॉस पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉस पढ़ेंगे, उसी में से एक है। इसके बाद है आपका सेल्फ इंडक्शन, स्वयं प्रेरण। जब किसी कुंडली में धारा प्रभावित की जाती है, मान लो कोई कुंडली है, यहां पर आपकी एक कुंडली है, उस कुंडली में अगर आपकी धारा प्रभावित की जाती है, किस तरीके से वो देखना, जब ये कुंडली है, एक प्राइमरी हो गई, एक क्या हो गई, सेकेंडरी। क्या बोल रहा है पॉइंट आपसे, जब किसी कुंडली में धारा प्रभावित की जाती है तो धारा प्रभाव उत्पन्न वह उपयोगी फ्लक्स जो कुंडली में स्वयं में ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए खर्च किया जाता है वो स्वयं प्रेरण कहलाता है। मतलब इसमें जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वही आपका स्वयं प्रेरण या सेल्फ इंडक्शन कहलाता है और कुछ नहीं है। हिस्टोरेसिस क्षति आगे को पढ़ेंगे हम। क्या बोलती, किसी पदार्थ की वह विशेषता जो चुंबकीय क्षेत्र को शून्य पर लाने के लिए विपरीत दिशा में खर्च की गई ऊर्जा को दर्शाती है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा यहां पर, आगे आपका जो रहेगा वो आपका हानिया रहेगा, एडी लॉस। कोर को जब स्थायी क्षेत्र में घुमाया जाता है, किसी कोर को जब स्थायी क्षेत्र में घुमाया जाता है तो लेंज के नियम अनुसार लोहे की कोर में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होने लगता है, और जो ईएमएफ उत्पन्न होने लगता है वही आपका क्या कहलाता है, एडी करंट कहलाता है। दो प्रकार की धाराएं होती हैं एडी करंट में, यहां पर इतना वो नहीं है। ये लेसन आपका यहां पर आज होता है समाप्त। इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं, वो जो पढ़ना है आपको, जिसके अंतर्गत आपका होता है, जैसे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मतलब किसका यूज किया जाता है, तो उच्च अवरोधन, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज का किस किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है। यहां थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, उनको थोड़ा आपको ध्यान रखना। चार पांच क्वेश्चन है इसमें से जो आते हैं ज्यादातर, मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद फिर अपन इस लेसन को खत्म कर दें। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें से कौन से पदार्थ को एक स्थायी चुंबक बनाने के लिए पसंद किया जाता है, मतलब कोई स्थायी चुंबक बनाना है तो उसके लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, एलनिको, सिलिकॉन स्टील, रॉ आयरन, एलॉय, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, जैसे मतलब आपसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती हैं, इंपोर्टेंट है ये, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो कहां से कहां की ओर करती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, इस तरीके से जो रेखाएं बनती हैं, इसी तरीके की रेखाएं बनी, वो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करती हैं, गमन करती हैं, कौन, चुंबकीय रेखाएं। जबकि आंतरिक रूप से दक्षिण से देखो, बाहर की तरफ आप देखोगे, बाहरी जो रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर करती हैं, लेकिन अंदर की जो रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से करती है, मतलब इस तरीके से करेगी और ये इस तरीके से करेगी, दोनों एक दूसरे के उल्टी चलती है।
फिर है आपका चुंबकीय क्षेत्र चलायमान धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के कारण होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसके कारण होता है, तो पॉजिटिव एवं निगेटिव के कारण, निगेटिव के कारण होता है। चुंबकीय संवेग एक अदिश राशि है। जो चुंबकीय संवेग होता है, संवेग क्या है, अदिश राशि। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, आगे भी मैं आपको बीच में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार से है। यहां आपकी क्लास खत्म होती है, हमारा मैग्नेट वाला यूनिट जो है वो लगभग खत्म है। कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन हम उस क्लास के साथ में उसको देखेंगे। तो तक मिलते हैं, बाय बाय।